अस्सलामुअलैकुम वीवर, वेलकम टू सॉबी ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल। मैं बना रही हूँ आज हलीम, और इसको मैंने पूरी रात सोख करके रख दिया था। अब इसको अच्छी तरह वॉश करके मैंने रख लिया। अब ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं दालें, और ये आप देख सकते हैं। तो इसमें पता नहीं ये वाइट लोबिया क्यों उन्होंने डाला, ये मुझे समझ नहीं आ रही। पता नहीं इसमें होता है या नहीं, लेकिन ये मिक्स बैग पैकेट था तो यही हमने लाया था। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने निकाल भी दिया। पता नहीं इसका नहीं मुझे पता डालते भी हैं या नहीं। तो अब मैं इसको पानी डाल के और हल्दी और नमक डाल के गलने रख दूँगी। फिर इसमें डालूँगी अलग से चिकन का, वो बनाऊँगी मसाला, फिर वो आपको साथ साथ दिखाऊँगी। तो आप मेरे साथ ही प्लीज़ रहिएगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। देखो मुझे नहीं, क्या जरूरत है आपको, क्या जरूरत है। और एक और भी है ना, डे फ्रेश, ये डे फ्रेश है। कितने बस यहाँ पे हलीम का प्लान हो गया था स्किप, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सीख कबाब मसाला बना रही हूँ, और साथ में मैंने बनाया है चिकन। तो ये रेडी होता है, मैं साथ साथ दिखाती हूँ। असल में हम लोग चले गए थे बाज़ार, तो मैं दिखाऊँगी क्या क्या मैं लेकर आई हूँ। अचानक ही हमारा बाज़ार जाने का प्लान बन गया था, जिस वजह से मेरा हलीम का प्लान स्किप हो गया। वो मैं कल बनाऊँगी, और ये बना रही हूँ तो दिखाती हूँ। तो प्याज ब्राउन हो गया, अब मैं डालूँगी टमाटर। घर में आ गए मेहमान, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। अब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो मैं इसमें डालूँगी मसाले, फिर कबाब डाल दूँगी इसके अंदर, और दो चम्मच डालूँगी दही इसमें। और मसाले मैंने सब डाल दिए, नमक मिर्चे और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला, और थोड़ा सा मैंने अचार गोश्त का मसाला डाल दिया था ये वाला। तो बस टमाटर सॉफ्ट होने वाले हैं, तो फिर इसमें डालूंगी मैं कबाब, ये वाले सीख कबाब। तो मैं इसको देखती हूँ। तो मसाला तो वीवर्स अच्छे तरीके से बन गया, अब इसमें मैं डालूंगी कबाब। तो रोटी तो मुझे बनानी नहीं है, साथ में राइस तो है नहीं, तो मैंने नान मंगवा लिए थे, वो इसके साथ सर्व करूँगी। तो दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक क्या है, सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये बहुत यमी बनते हैं, आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने थोड़ा और दही ऐड किया ताकि स्टीम में अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आज कौन जीतेगा सभा? खाना बन गया था, सबको मैंने दे ही दिया था, तो खाना बहुत अच्छा बना था, सबने यही खाया। तो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। और ये हमारे घर किसी के घर से आई थी ये छलियाँ, तो ये मैं कल बॉईल करूँगी, तो फिर वो दिखाऊँगी अगर टाइम मिला तो। फिर मुझे टाइम मिलता ही नहीं, क्योंकि मेरी आज हलीम भी स्किप हो गई थी, और मैं शायद टुकड़े के लिए भी आज जब गई थी मॉल तो मैं लेकर आई थी चीज़ें, तो वो भी बनाऊँगी, उसकी भी करूँगी रेसिपी आप लोगों से शेयर। तो ये मैं लेकर आई थी कंडेंस मिल्क, तो ये मैं शाही टुकड़ों में यूज़ करूँगी, ये भी आपको दिखाऊँगी, ये भी मैं उसके लिए लेकर आई थी। तो जब मैं बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी करूँगी शेयर। तो आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।